हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एम एस ऑफ्स ऑफिशियल। 13 मई 2019 के करंट अफेयर्स हम लेकर उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर्स के प्ले सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है। ऑप्शंस की बात करें तो ब्रिटेन, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे। तो मैं आपको बता दूं कि जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला जो दूसरा देश है, जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला जो दूसरा देश है वो इस समय आयरलैंड बन चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के 17 नए SDG एडवोकेट्स में चुना गया है। ऑप्शंस है करीना कपूर, कैटरीना कैफ, दिया मिर्जा, सोनम कपूर। सही ऑप्शन है दिया मिर्जा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को किस देश से भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। ऑप्शंस की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो ऑप्शन ए अमेरिका, अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किस देश के रेलवे विभाग को 1600 HP डेमो ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस की बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, इसमें नेपाल ने ये जो है हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। 7 मई, 8 मई, 10 मई, 11 मई। तो 11 मई इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में थोपिल मोहम्मद मीरान का निधन हो गया, वे क्या थे, पत्रकार, वैज्ञानिक, उपन्यासकार या फिर राजनीतिज्ञ। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक उपन्यासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रितेश पांडे, अजय मेहता, के कुलकर्णी, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं अजय मेहता को जो है कि नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 8 यह है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डेंगू बुखार के खिलाफ पहले वैक्सीन को मंजूरी दी है, इस वैक्सीन का नाम क्या है। तो इस वैक्सीन का नाम है डेनवैक्सिया, जिसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डेंगू बुखार के लिए मंजूरी दिया है। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय कर्मचारी महासंघ के अनुसार भारतीय तकनीकी उद्योग 2023 तक कितने मिलियन नौकरियों को जोड़ेगा। तो लगभग 3 मिलियन नौकरियों को जोड़ने का जो है कि प्रस्ताव ऐसा रखा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 10 है कि कौन सा देश विकासशील देशों की WTO मंत्र स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, भारत और नेपाल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, भारत जो है इसका मेज़बानी कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था 13 मई के करंट अफेयर्स, कुछ 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।